लेकिन इसके अंदर FIs भी है, DIs भी है, प्रमोटर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। चलो प्रमोटर तो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी अच्छे इंसान की पहचान करने से पहले उसकी क्वालिटियों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और किसी भी चीज़ को आपको पाने के लिए अपनी काबिलियत का एक हिसाब देना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके अनुसार ही आपको देखा जाता है कि आप किस मुकाम तक पहुँचेंगे या आपको क्या काम दिया जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ सर साउथ इंडियन बैंक की, और साउथ इंडियन बैंक ने एक बहुत ही अच्छा एक काम कर दिया है जिसको IBA की तरफ से बेस्ट टेक्नोलॉजी में बैंक ऑफ द ईयर में 6 पुरस्कार मिले हैं। इसकी वजह से अब ये बैंक ना रिटेलरों की नज़रों में फिर से आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसके अंदर रिटेलर जो है ना सर 70% से ज़्यादा हैं, लेकिन इसके अंदर FIs भी है, DIs भी है, प्रमोटर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। चलो प्रमोटर तो बड़ी बड़ी कंपनियों में भी नहीं होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इसने अवार्ड जीतने की एक झड़ी सी लगा दी है, और जो बता रहा है कि इसकी जो काबिलियत है सर इसको काफ़ी ऊपर तक ले जाने के लिए तैयार है। अच्छी एक न्यूज़ है, किसी किसी को पता नहीं रहती। इस न्यूज के अनुसार आपको इसके अंदर अपनी संभावना की तलाश ना जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बैंक जब भागने की ओर आया ना फिर यह बैंक पीछे कर देगा, क्योंकि इसने 6 पुरस्कार जीत लिए हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी शेयरों में होगा वो उसके काम के प्रति और उसके न्यूज के प्रति होगा, मैं तो इस पे डिपेंड रहता हूँ, और उसके अंदर साइकोलॉजी मिलाकर ही आपको बताता रहता हूँ कि जब तक के हमारा व्यक्तित्व अच्छा नहीं होगा, हमारे पास अच्छी अच्छी डिग्रियाँ नहीं होंगी, तब तक के हमें नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो इसी तरह अगर हमारे अंदर का मन अच्छा नहीं होगा, दिल अच्छा नहीं होगा, दिमाग अच्छा नहीं होगा, सुनने का तरीका अच्छा नहीं होगा, कहने का तरीका अच्छा नहीं होगा, तो हमें कुछ भी इस ज़िंदगी में मिलने वाला नहीं है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि साउथ इंडियन बैंक में लोग आपको बड़ी बड़ी जो वीडियो बना देंगे ना थंबनेल वाली, उसको कर दो साइड में, और ये देखो कि बैंक ने पुरस्कार जीता है और अच्छा ये काम कर रहा है। तो इस बेस पर, इस बैंक पर आपको नज़र तो रखनी पड़ेगी।